नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इसमें जो ये कपड़ा चिपक जाता है, ठीक है, जैसे आयरन करते समय अगर ज़्यादा हीट हो गया तो ये कपड़ा जो चिपक जाता है, तो इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। ये जो पूरा कपड़ा चिपक गया है इसको किस तरीके से हटाना है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर इसको मतलब कोई धारदार चीज़ से, चाकू से या किसी भी चीज़ से अगर इसको साफ़ करते हैं तो ये पूरा स्क्रैच हो जाएगा और ये आपका प्लेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको सही ढंग से किस तरीके से साफ़ करते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको चालू कर लेना होगा, ठीक है। तो चालू करके बताते हैं हम आपको। तो इसको हम साफ़ करेंगे ये हमारा कोलगेट से, ठीक है। तो कोलगेट से किस तरीके से साफ़ करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चालू कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चालू कर लेते हैं। ये दिख नहीं रहा है, मैं ये हल्का चालू हो गया, देखिए। ये हमारा चालू हो चुका है। थोड़ा देर इसको चालू करके इसको गर्म कर लेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा हल्का, ठीक है। उसके बाद भी अगर इसको कपड़े से या पानी से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ नहीं होगा। तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कोलगेट डालेंगे और उसके बाद अगर इस टाइप का स्पंज है तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का कपड़ा यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको साफ़ करेंगे, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं। ये चिपक के इतना हार्ड हो गया कि इसको मेल्ट नहीं कर पाया, ठीक है। ये गर्म, पूरा गर्म हो चुका है और ये मेल्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम पहले अनप्लग करते हैं, इसको इसका सॉकेट निकालते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना गर्म हो गया है, गर्म हो गया ये पूरा, ठीक है। तो इस पर हम पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हम आपको साफ करके बताते हैं। देख सकते हैं ये किस हद तक साफ़ हो गया, ठीक है, लगभग ये साफ़ हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक दो बार और पेस्ट डालेंगे तो ये जो जरा सा बचा हुआ वो भी साफ़ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं इसको, पेस्ट लगा करके। ये ज़्यादा गर्म हमने कर दिया था तो इसको हल्का सा ही गर्म करना है, ठीक है। हल्का सा गर्म करके जो कि ये मेल्ट हो जाए हल्का सा, और उसके बाद आप पेस्ट लगा करके साफ़ कर सकते हैं। पेस्ट नहीं है तो एक और ऑप्शन है विनेगर करके, जो केचप आता है विनेगर केचप, उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर विनेगर केचप है तो उससे भी साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पेस्ट जो कि ये कोलगेट वाइट वाला जो आता है, सो क्लोजअप नहीं, ये जो कोलगेट है उससे ही
आप लगा करके और इस तरीके से पूरा साफ़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से एकदम क्लीन हो गया है, तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपको इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।